तो मम्मी हमारी भाई सुरती खाती है। ये देखिए, ये सुरती खाती है तो दांत क्या लगवाए का? नहीं खाती सुरती, ये तो कभी नहीं खाती है। नहीं खाता है भाई साहब, मियां बीबी हो एक हो गया। हेलो गाइस, स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, गेहूं की कटाई हो रही थी और दवाई भी हो रही थी। मेरा तो हो गया था, आज रोली की दवाई हो रही है। अभी फोन आया था, राहुल रोहित भैया लगते हैं, और अभी हम लोग चले गए थे जौनपुर। पापा का थोड़ा तबीयत खराब था, उनका पेट वगैरह में दर्द रहता है। वो 2-3 साल से बता रहे थे कि जैसे 2-4 महीना बीतता है तो दर्द होने लगता है। तो आज हम लोग सोचे थे कि अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, तो अभी अभी जस्ट अल्ट्रासाउंड करा के आ गए। जैसा कि मैं बीच में वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड हो रहा था पापा का। और यहाँ पे बैठे हैं, अभी खिचड़ी वगैरह खा लिए हैं, थोड़ा बहुत आराम है इनको। और कल दांत में भी पेन हो रहा था, परसों वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि खैनी वगैरह ये खाते हैं, तो मैंने बोला मना कर दिया कि अब मत खाओ। और माता जी जो खोड़ा दत्वा बाटे तू सब कहा तक ना लगवाओ था, हमेशा कह जाता था कि यार तुम माता का अपने दांत लगवा लो। तो मम्मी हमारी भाई सुरती खाती है। ये देखिए, ये सुरती खाती है तो दांत क्या लगवाए। एक बार डॉक्टर मना किया था, पापा ने दांत वगैरह साफ कराया था, एकदम अच्छे से था, तो कुछ दिन सुरती ना खाइन, चुराए चुराए खात रहें, लेकिन अब फिर एकदम अंधा धुंध सुरती चलता। का चुप का नहीं खाती सुरती, ये तो कभी नहीं खाती है। नहीं खाता है भाई साहब, मियां बीबी हो एक हो गया। बना के मुझे कभी काल दे देती, खाती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बना के दे देती, खाती नहीं है। ये सब भाई एक हो गया, ऐसा करा करो, लेकिन नहीं बोलती, नहीं करो। ये सब एक हो गए हैं, देख लो रोली सही कह रही नहीं। चला एक दिन मिजत रही दिल्ली ले बता। हाँ, ब्लॉग में ऐड कर ली। तो पापा के लीवर में थोड़ा सा बताया कि सूजन टाइप का है, ज्यादा तो नहीं, फैटी लीवर बताए हैं डॉक्टर साहब अभी, और बोले ऑयल मसाला कम खाने के लिए। मेरे घर पे गाइस मैं बता दूं ना कि ऑयल मसाला बनता ही नहीं है, सादा सादा सब्जी बनता है। दोनों तीनों टाइम अगर आप मेरे घर खाओगे तो बोलोगे यार ये खाए उबई ना कर, सब चीजें हैं लेकिन बनाया सादा ही जाता है कि बीमारी ना हो। और पापा का थोड़ा सा लीवर फैटी बताया डॉक्टर, वैसे कोई नहीं, लिव 52 DS ले लिए हैं पापा के लिए पीने के लिए। और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि दवा रहा है, तो देखते हैं पहुंच जाएंगे टाइम से। तो 2 खेत का दाना है ना, तो अगर एकाक में पहुंच जाएंगे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और दवा हो गई है, देखते हैं अब आगे क्या दिक्कत होती है पापा को, जैसा रहेगा बताएंगे, है ना। अब जैसे हम बताया खिचड़ी उचड़ी खा ले हैं, कल दांत प्रयात रहा वो दिखा लिया। हाँ ये लो, चलो अब हम लोग निकल रहे हैं गाइस, तो चलते हैं, बाय। चलो अब फटाफट से हम लोग घर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दवाई हो रहा है, क्या क्या नहीं, गेहूँ वगैरह। और वीडियो भी हम लोग को आज शूट करना है। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए, और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि घर पे दवाई होने वाली है रोली के खेत की, तो दवाई गाइस हम लोग को पहुंचते पहुंचते दोनों खेत का हो गया। और अभी अभी मैं शर्ट वगैरह निकाल के थोड़ा सा फ्रेश हो गया, मुंह धो लिया हूं और शर्ट भी अपना चेंज कर लिया, क्योंकि वो सुबह से ही पहना था, फिर हॉस्पिटल वगैरह गया था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अब तो सुन रहा हूँ यार फिर से कोरोना वगैरह का न्यूज़ में आ रहा है, तो अभी दवाई हो गई है। और हम लोग को आज का वीडियो जो शूट करना था, तब दवाई हो गई थी तो हमने वीडियो भी शूट कर लिया, और जो कॉमेडी हमारी शूट होनी थी वो कंप्लीट हो गई है। और अभी रोली और सरवाइन वो सब अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर रही हैं, तो वो लोग ड्रेस चेंज करने देते हैं और देखते हैं अभी हम लोग को क्या करना है। अब वही शाम के टाइम वीडियो वीडियो एडिट होगा, फिर कल वो वाला वीडियो पड़ेगा, सेकंड पार्ट है जिसमें सरवाइन रोली की पत्नी बनती है और उसमें पाद रही थी, उसी वाले का हम लोग ने सेकंड पार्ट शूट किया है। और आज इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि गर्मी, क्या बताऊँ यार। मतलब वैसे ना बॉडी में एकदम थकान थकान सी लगी है। और एक बार मैं लाया था ग्लूकॉन डी, साथ आप लोगों को दिखाया था मैं एक ब्लॉग में, तो उसको अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो सोच रहा हूँ अभी चल रहे हैं वही घोर के थोड़ा सा पियेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा। तो फटाक से पहले यार मैं सोच रहा हूँ ना ग्लूकॉन डी ही पी लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है आज की गर्मी। तो चलो पहले पीते हैं ग्लूकॉन डी, घोर के मैं पीता हूँ फिर बात करते हैं आपसे। फाइनली मैंने ग्लूकॉन डी को भी खोल लिया है यहाँ पे, और ग्लास भी ले लिया है। ऐसा मत सोचा जाए पहले ही, तभी ग्लूकॉन डी दिखाई दे भाई, ग्लास ले लिया है मतलब पानी पीना है ग्लूकॉन डी वाला, और थर्मस भी ले लिया है पानी ये ले लिया का पीने जा रहा है। और अब पहले ग्लूकॉन डी को ग्लास में डालते हैं, चुराए ना बे, पानी पिए पहले, एनर्जी ना बे। तो गाइस जितना सा मैं गिरा लिया हूँ,
इतना तो काफी रहेगा, थोड़ा और डाल लेता हूँ। और अभी रोहित पानी ऐड कर रहा है, ये ज्यादा मत डालना यार, थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा तो ठीक रहेगा, मीठा भी आना चाहिए। और गिरा ले रहा हूँ यार, कि एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, इतना गर्मी लग रही है। अभी देखो गाइस लाइट आई, फैन भी चल रहा है, हालांकि इन्वर्टर था, लेकिन ना गाइस हम लोग सोचते हैं जब लाइट नहीं रहती है तो थोड़ा बहुत ही इन्वर्टर यूज करते हैं, क्योंकि बैठने का डर रहता है और लाइट आएगी या नहीं उसका पता ही नहीं रहता। तो अभी देखो मैं मिला ले रहा हूँ और ग्लूकोन डी, थोड़ा पानी और डालो भाई। तो अब ग्लूकोन डी भी पी लेंगे, उसके बाद आज मैंने सोचा है कि मैच में प्रिडिक्शन लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि देख रहे हैं सब जीत रहे हैं, ड्रीम इलेवन फिलेवन चाहे जोन हो या बोकर ऐड ना कर एक बार, बाकी देख रहे हैं सब जीत रहे हैं। तो आज मैं भी तुक्का लगाऊंगा और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ क्या नहीं। फिलहाल अभी कोल्ड ड्रिंक बोल रहा हूँ, मतलब ग्लूकोन डी को एंजॉय करता हूँ। मीठा कम है मुझे लग रहा है, और डालना चाहिए, वैसे बहुत मीठा नहीं पीना है, खाली पी लें थोड़ा सा एनर्जी आ जाए बस। तो गाइस ग्लूकोन डी वगैरह पी के हो गया और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा प्रेडिक्शन देखूंगा, क्योंकि मैच होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, 30-35 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अभी मैच स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं लगा ही नहीं पाऊंगा, और पापा को जो गया था दवा ववा दिलाया हूँ, बाकी कुछ मतलब वही सिरप उरप ले लिया हूँ, बाकी कुछ दवा वैसा नहीं दिलाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये दिक्कत था, पेट वगैरह उनका दर्द हो रहा था, तो वो ठीक हो जाएगा। हालांकि पापा से भी मैं पूछ लूंगा कैसी तबीयत है, नहीं तो फिर कहीं दिखा देंगे। और इस ब्लॉग को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस तो देखते ही हो, तो आप लोग चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और दुआ करना कि पापा मम्मी सब खुश रहें, पूरा परिवार हमेशा खुशी रहे, और हम लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े, आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को नया सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।